गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो एज यू ऑल नो, वी हैव रेड हाफ ऑफ द चैप्टर नंबर 3, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. ओके, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कि वॉइस नहीं आ रही है, बाद में पता चला हमें. सो एज यू ऑल नो, वी हैव रेड हाफ ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स रीड, जो पेज नंबर 38 है वहां से. हु विल गोइंग टू रीड? ब्रिटिश रूल से. चलो अनुराग, स्टार्ट रीडिंग दिस. यस मैम. रिलीजियस लीडर्स पिच्ड आइडियाज द लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. पूरा पेज पढ़ा जी. द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. थ्रू योर ह्यूमर, बट आई एम ऑनेस्ट. बीइंग मर्चेंट, द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. But your men are taking all my crop. You are still arrears. If you don't pay send next week, I will send you to jail. Still, the British invented other methods which gave them more profit. The goods manufactured in England should not have any import duty when bought into India. A good idea. The East India Company's jaw began to cripple Indian industries. The British politicians ruined the export policies. The British policies ruined the export artisans and business. Okay. So, British rule 1765 to 1836, religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. So, आपको इतना तो आइडिया होगा कि पुराने समय में बहुत सारे ऐसे पुरानी चीजें और बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी लोगों की, जिसके वजह से हमारा इंडिया बहुत बुरी कंडीशन में चला गया था. और उसके जो उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो अभी तक हमारे इंडिया में पूरी तरह से है. सो एक बहुत ही बुरी प्रथा थी अनटचेबिलिटी. ये बहुत सारे रिलीजियस लीडर जो थे वो प्रीच करते थे, यानी कि फैलाते थे इस चीज को और ज्यादा स्प्रेड करते थे. अनटचेबिलिटी आपको पता है, छुआछूत, किसी को नीचा दिखाकर उसको उससे दूर रहना, उसको हर चीज से दूर रखना. एनी, अब देखो यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लीडर कुछ कह रहा है. क्या कह रहा है? Anyone who crosses the seas loses his religion. अब यहाँ पे देखो ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र को पार करेगा तो वो अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा. मतलब समुद्र को पार करना इन द सेंसेस कि कोई दूसरी कंट्री जाएगा, कोई फॉरेन कंट्री अगर कोई जाएगा तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा. फिर यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं दूसरे वाले पिक्चर में. All the misery in the world is due to women.
सोचो कितनी बुरी बात और कैसी कैसी थिंकिंग थी। सोचो इन सब थिंकिंग की वजह से आज इंडिया का ये हाल हुआ है। मतलब जो इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको इतना खराब कंडीशन तक पहुंचाने में किसका हाथ है? सिर्फ और सिर्फ इन सब थिंकिंग का हाथ है। आप देखते हो ओलंपिक्स में भी आजकल ओलंपिक्स चल रहे हैं, चाइना कितना आगे है, दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स जो है वो कितना अच्छा अच्छा कर रहा है। हमारे इंडिया के प्लेयर्स ने भी गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, मीराबाई चानू है और भी कई लोग हैं। लेकिन जो चाइना के प्लेयर्स हैं आप उनको अगर देखोगे, फॉरेन कंट्रीज के जो स्पेशली प्लेयर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही मतलब हर चीज में आगे रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, नो डाउट कि हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री जो थी, आपने सुना होगा अर्जुन के बारे में है ना, जो महान योद्धा थे, कर्ण के बारे में सुना होगा आपने, भीम के बारे में, भीष्म के बारे में, ये सब कौन लोग थे? ये सब इंडियंस ही तो थे ना, जो इतने पावरफुल थे कि अपने पावर से, अपनी शक्तियों से बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देते थे। हनुमान जी संजीवनी लाए थे, संजीवनी में जो ऋषि मुनियों ने उनको बताया था कि संजीवनी जो है ये ऐसी मेडिसिन है जिसको खाते ही लक्ष्मण जी और जितने भी सैनिक है सब तुरंत ही ठीक हो जाएंगे, और सब ठीक हो भी गए थे। मतलब इतना रिच कल्चर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम इतने पीछे कैसे हो गए? ऑल बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। आप देख सकते हो कैसी कैसी बातें होने लगी थी कि जो सात समुंदर पार जाएगा वो अपना धर्म नष्ट कर देगा, और सारी जो बुराइयां हैं दुनिया में वो सब औरतों की वजह से है। बल्कि जो दुनिया है उसको जन्म कौन देता है? सब जो जननी कौन है? वो तो लेडी ही है ना, विमेन ही है। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातें सोचो कही जाती थी। आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में, मतलब किसी अगर लेडी का हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो उसको भी उसी की डेड बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था। सोचो ऐसी ऐसी स्टीरियोटाइप थिंकिंग के वजह से हम लोग कितना पीछे चले गए। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। स्कॉर्न्ड देम मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो उनके ऊपर थोपा वही उन्होंने मान लिया और इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया। मतलब उन लोग वो लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही सुप्रीम समझने लगे और खुद को उनसे बिल्कुल नीचे समझने लगे। अब देखो यहाँ पे क्या बातचीत हो रही जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब देखो ये क्या करेगी, यहाँ के लोग जो हैं, अब एक हिंदुस्तानी देखो हाथ जोड़े खड़ा है इस पिक्चर में, और एक इंग्लिश, एक ब्रिटिशर क्या कह रहा है कि यहाँ के जो नेटिव है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये लोग बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, ये लोग इनकेपेबल है, मतलब ये लोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल इनकेपेबल है। और ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनर्स। अब देखो एक इंडियन ही है ये, और ये क्या कह रहा है ब्रिटिशर्स से कि हाँ हाँ योर ऑनर। अब देखो ये इंडियन है और ये ब्रिटिशर है, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब इसने क्या कहा कि जो इंडियंस है वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, बड़े बेकार हैं। अब ये इंडियन हो के भी ये खुद क्या कह रहा है कि हाँ हाँ ट्रू योर ऑनर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, बाकी सब बेकार है मेरे यहाँ के कंट्री वाले, लेकिन मैं बड़ा अच्छा हूँ। फिर अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो, इस वाले पिक्चर में क्या बात हो रही है कि बीइंग मर्चेंट। अब देखो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब वो लोग व्यापारी थे, अब व्यापारी क्या चाहता है? क्विक प्रॉफिट चाहेगा ना, वो तो यही चाहेगा कि मेरा फायदा हो, मुझे प्रॉफिट हो। सो ये लोग बड़ा क्विक प्रॉफिट चाहते थे, जल्दी जल्दी ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अबैंडन का मतलब होता है बच्चों छोड़ देना, उसको छोड़ देना, उसको अपने आप से अलग कर देना। इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स लोग टैक्स लेते थे कि बेचारे किसानों को अपनी जमीनों को छोड़ देना पड़ा, अपनी जमीनों को गिरवी रख देना पड़ा। तो
अब देखो यहाँ क्या बातचीत चल रही है, बट योर मैन आर टॉकिंग टेकिंग माई, हाँ पहले ब्रिटिशर क्या कह रहा है कि यू आर स्टिल एरियर्स, एरियर्स मतलब कर्जा, आप लोग अभी तक कर्जे में हैं। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर तुमने नेक्स्ट वीक में तुरंत ये जो कर्ज है ये नहीं चुकाया, टैक्स को पे नहीं किया, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो अब ये आदमी क्या कह रहा है, इंडियन मैन क्या कह रहा है फार्मर कि बट योर मैन आर टेकिंग आर ऑल ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके तो इन आदमियों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने सैनिकों ने मेरे सारे फसलें ले ली, मेरे सारे क्रॉप ले लिए, मैं आपको पैसा दूं तो कहाँ से दूं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो हेडिंग देखिए क्या है कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अभी भी सोचो यही एक सच्चे व्यापारी का जो सिंबल होता है कि वो हमेशा कितना भी उसको प्रॉफिट हो जाए लेकिन हमेशा वो अपने फायदे के बारे में सोचता ही रहता है। अब जो अंबानी है वो इतने अभी रिच क्यों, रिचेस्ट मैन इन इंडिया क्यों है, क्योंकि वो हमेशा इतने अमीर होने के बाद भी वो बैठ नहीं गए हैं, उन्होंने आराम नहीं कर लिया है, वो डेली डेली हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सोचते रहते हैं, नए नए आइडियाज लाते रहते हैं, नई नई एप्स बनाते रहते हैं, सिम का उन्होंने देखो कितना ज्यादा प्रचार कर दिया। सो ये सारी चीजें जो है ये एक मर्चेंट की पहचान होती है। तो अब देखो यहाँ पे ब्रिटिशर क्या कह रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। अब ये कह रहा है ब्रिटिशर कि जो सामान, बच्चों ये क्या तरीका है, ये कौन है, क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, स्टूडेंट स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। आप लोग अभी केजी में नहीं पढ़ रहे हो, अभी स्क्रीन पर कोई स्क्रैच या कुछ भी नहीं करेगा। चलो सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब यहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो सामान हम लोग इंग्लैंड में बनाते हैं, जो चीजें हम लोग इंग्लैंड में बनाते हैं, उसको जब यहाँ पे हम लोग लाते हैं इम्पोर्ट करके, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना चाहिए, कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए, कोई भी खर्चा नहीं देना चाहिए। अ गुड आइडिया। अब ये लोग भी कह रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये काम तो हमको करना ही चाहिए, हमको यहाँ पे फ्री मिले आकर बस बेचना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। नीचे देखो क्या हेडिंग है कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल का मतलब होता है बच्चों कि एकदम से खत्म कर देना, एकदम से उस इंडस्ट्री को, यहाँ की जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया की कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दे रही थी, मतलब यहाँ के लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं बच रहा था, सारे जो काम थे वो ये लोग छीन ले रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है कि हाँ इनविटेबली फेमिनाइज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। अब फेमाइंस यहाँ पर मतलब है बच्चों कि आपदा, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। तो अब इंडिया में 1836 तक, 1822 से 1836 तक इतना ज्यादा अकाल पड़ गया, मतलब ब्रिटिशर्स ने सारी कमाई का जरिया छीन लिया, उनसे जो किसान थे उनकी फसलें ले ली, सब कुछ ले लिया, टैक्स लगा दिया, कि यहाँ पर स्टार्वेशन से लाखों हिंदुस्तानियों की जान चली गई। ये वाले पिक्चर में देखिए लास्ट पेज पे, इस पेज पे जो लास्ट पिक्चर है, द ब्रिटिश पॉलिसीज रून द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। एक्सपर्ट आर्टिशन मतलब इंडिया में जो कारीगर लोग थे, वो
जो कलाकार लोग थे जो अपना अपना काम करते थे, बुनाई का, मूर्ति का, हर चीज का, इन सब का काम पूरी तरह से ठप हो गया। ब्रिटिशर्स ने सब बिजनेसेस पर कब्जा कर लिया इंडिया में। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? राधिका, शोभित, आयास। आयास स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पेज। यस मैम। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सुपरस्टिशन हैव बीन रनिंग रूइंग अस। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rural, and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owns to his subjects." Ha. So, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उस समय 1772-1833 के टाइम पर बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिया के वेलफेयर के लिए काम किया। मतलब वो ये सब सुपरस्टिशन देखकर, ये सब जो पुराने अंधविश्वास थे, बड़े परेशान थे, उनको पता चल गया था कि इंडिया का जो बुरा हाल होने वाला है वो इसी पिछड़ी हुई सोच के लिए हो जाएगा। तो वो बहुत टेंशन में थे और वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस अपने आप को और अपने कंट्री को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि इंडियंस का कुछ भला हो सके, वो लोग इस अंधविश्वास से, इस पिछड़ी सोच से बाहर निकल सके। सो राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। अब लर्न मैन थे बच्चों, हर चीज का जो सोल्यूशन होता है वो हमारी एजुकेशन में होता है। अगर इंसान एजुकेटेड है तो ज्यादातर चांसेस ये है कि उसकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होगी और वो थोड़ा सा अच्छा सोच सकता है। बहुत सारे केसेस में एक्सेप्शंस भी देखे जा सकते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी सुपरस्टिशियस होते हैं, पुराने अंधविश्वासों में होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही समाज को आगे ले जाते हैं और सुपरस्टिशियस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। So, वो बंगाल के मैन थे, बंगाली थे और वो पढ़े लिखे थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको पता चल गया था कि देश में क्या गलत है। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। वो कह रहे हैं कि चलो अपने आप को हम लोग इतना पीछे ना करें, अपनी कंट्री को इतना कम ना समझे। हम लोग, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा महान है एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। और हम लोग जाने जाते हैं महान अचीवमेंट्स के लिए। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि श्री राम जी एकदम नॉर्मल इंसान थे। श्री राम जी हो, कर्ण हो, अर्जुन हो, भीम हो, इस तरह के जितने भी लोग थे, ये सब सभी लोग कोई, उनके पास पावर मैजिक नहीं था। श्री राम आपको पता है कि वो नॉर्मल एकदम इंसान थे, लेकिन इतना ज्यादा पहले के हमारे लोगों में, हमारे पूर्वजों में इतना ज्यादा सेंस था, इतना ज्यादा उनके अंदर क्वालिटीज थी, वो अपने आप को इतना बनाते थे कि इतने महान बन गए वो। सो ये बता रहे कि हमारा कल्चर, जो हमारी हिस्ट्री है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। आपको पता है सबसे पहले जो कल्चर है, सभ्यता है, वो हमारे हिंदुस्तान में आई है।
अगर हिंदुस्तान हमारा इंडिया दशमलव की पॉइंट का इन्वेंशन ना करता तो जो अमेरिका और जो रूस है, जो दूसरी कंट्रीज है जो स्पेस में गई है, वो कभी भी स्पेस में ना जा पाती। सो हमारा कंट्री के बारे में हम ही लोग भूल गए थे, जिसको राजा राममोहन रॉय ने समझा और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। वो बोल रहे हैं कि जो अंधविश्वास है उसने हमारे देश को पूरी तरह से खत्म कर दिया, खत्म कर रहा है। He told his wife Uma, उनकी वाइफ की उमा, वो अपनी वाइफ को क्या कहते हैं कि cows are of different colors, but the color of their milk is the same. ऐसे ही different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो आपको पता है बच्चों, आप लोग भी देखते हो कि इंडिया में रिलीजन कास्टिज्म इतना ज्यादा है कि पूछो मत। So, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहकर कि जो काउ होती है उसका जो काउ अलग अलग कलर्स की होती है, लेकिन उसका जो मिल्क होता है जो हमें ताकत देता है, प्रोटीन देता है, वो बड़ा ही एक ही कलर का होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता, सब एक कलर का मिल्क होता है। इसी तरह से जो दूसरे दूसरे धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो दूसरे धर्म है, ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सबका सीख एक ही होता है। हर धर्म की सिर्फ एक सीख होती है, वो क्या होती है, ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी और यूनिटी, एक रहना और मानवता बनाना, है ना, सबको इंसान समझना। तो ये अपनी वाइफ को इस चीज को बता रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, he was attracted by science and modern knowledge. अब वो पढ़े लिखे थे तो वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज जो थी, जो आधुनिक चीजें थी, उनसे बड़े ही अट्रैक्टेड थे। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो लोगों को बता रहे हैं कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो नॉलेज होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, सिर्फ किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो हम सीखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसको हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे आप लोग यहाँ राजा राम मोहन रॉय की थिंकिंग पढ़ रहे हो, अब उनके बारे में ये अच्छी बातें क्यों लिखी हुई है, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे और महान व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए, हमें उनकी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम इसको सिर्फ पढ़ के किताब बंद करके रख देंगे और बाद में आगे चल के हम लोग भी सुपरस्टिशियस हो जाएंगे, जात पात धर्म को मानेंगे, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यही बात राजा राममोहन रॉय जी समझाते थे कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। He started newspapers, but the superstitious British suspicious British stopped them in 1823. अब राममोहन रॉय जी जानते थे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए हमको न्यूज़पेपर बांटना चाहिए, ताकि सबको, मास को पूरे ये नॉलेज मिले, एक साथ सबको ये नोटिस मिले। लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स थे वो सस्पेक्ट कर लिया उन्होंने इनकी थिंकिंग को, वो समझ गए थे, उनको शक हो गया था कि लोगों को अच्छा कर देगा, लोगों को समझा देगा। तो उन्होंने 1823 में फिर से न्यूज़पेपर को बैन कर दिया, बंद कर दिया इंडिया में। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there. He told them. अब जो राममोहन रॉय थे, उन्होंने सी को क्रॉस किया, मतलब उन्होंने समुद्र को पार किया और वो फॉरेन कंट्री में गए, इंग्लैंड गए। क्यों गए? वो देखना चाहते थे कि जो अंग्रेज मेरी ही कंट्री में आके मेरे ही लोगों को अपने देश में इतना, मतलब थिंकिंग उनकी खराब कर दे रहे हैं, बिजनेस को सारा स्टॉप कर दे रहे हैं, वो आखिर अपने देश में, उनका देश है कैसा, मतलब उनके अंदर इतनी नॉलेज, इतना अच्छा बिजनेस का सेंस कहाँ से आया। अब वहां जाकर क्या कह रहे हैं, देखो कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। अब वो बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स से कि हमने आपको अपने ऊपर राज करने के लिए स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज
सब्जेक्ट्स और आप भी हमारे हमको एक एक चीज की तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए बट लेकिन यू मस्ट रिमेम्बर, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। आप हमको आप रूल करिए, आप हमारे ऊपर राज करिए, हम सब कुछ हमको मंजूर है, लेकिन आप अंग्रेजों को ये याद रखना चाहिए कि आप जिस पर राज कर रहे हैं उस जनता का भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कि द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार, मतलब उनको हर तरह से प्रताड़ित करना, है ना, उनको उनके ऊपर जुल्म करना, एक तरह से ऑपरेशन का मतलब है जुल्म करना, गलत करना किसी के साथ। तो 1765 से 1835 तक बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था हिंदुस्तानियों पर। क्या हो रहा था कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। अब राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने इतना कुछ कहा, उनसे इतना कुछ समझाने की कोशिश की इंडियंस को भी, ब्रिटिशर्स को भी, लेकिन फिर भी वो जुल्म करना वो लोग नहीं छोड़ रहे थे इंडियंस पर। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। अब 1818 में इन्होंने एक रेगुलेशन 3 पारित कर दिया, बिल पारित किया। क्या अंडर इट, इसके अंतर्गत क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। आप लोग देखते हो लॉ के हिसाब से अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, सबसे पहले उसको पकड़ते तो है लेकिन उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसको ऐसे ही पकड़ के रखते हैं मेन जेल। उसको भेजने के लिए पहले उसके ऊपर कोर्ट ट्रायल किए जाते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसको प्रूफ किया जाता है, फिर उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन इतना उन्होंने ऑप्रेस करने की सोच ली थी इंडियंस को कि 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन पारित कर दिया कि इंडिया इंडियन में कोई भी भारतीय अगर कुछ भी करते हुए पकड़ा गया उसको सीधा जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बस सीधा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडे। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यस मैम, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू।